हेलो एवरीवन, मैं धीरेंद्र बागड़ी, लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, आपका स्वागत करता हूं। और अब आज के इस सेशन में हम इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की एनालिसिस करेंगे। देखिए, इससे पहले वाले सत्र में हमने इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, उसकी एल्गोरिथम क्या होती है, किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होती है, वो हमने देख लिया है। अब आइए हम स्टार्ट करें इसकी एनालिसिस। ठीक है, देखिए, ये जो एल्गोरिथम हमने लास्ट सेशन में देखा था, लास्ट वीडियो लेक्चर में, ये वो हमारा एल्गोरिथम है जहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट एक फंक्शन है और ए जो है इनपुट पैरामीटर वो अरे है। ठीक है, और ये फंक्शन का अंदर का जो पहला स्टेटमेंट है वो फोर लूप है, जो कि फोर लूप रन करता है जे इक्वल्स टू से लेकर जितना अरे का लेंथ है। ठीक है, की नाम का एक वेरिएबल है यहाँ पे, ए ऑफ जे अरे ए के जेथ इंडेक्स में रखी हुई वैल्यू है। ठीक है, वो वैल्यू किसको असाइन करी जाती है, की को असाइन करी जाती है। फिर यहाँ पे आई एक और वेरिएबल है जिसको जो पॉइंट करता है, जो एक उस इंडेक्स को पॉइंट करता है जैसे जस्ट लेफ्ट साइड में पॉइंट करता है। फिर हम व्हाइल लूप चलाते हैं, व्हाइल लूप चलाते हैं, व्हाइल लूप में कंडीशन होता है क्या, आई ग्रेटर देन जीरो है, साथ के साथ जो ए ऑफ आई है मतलब हाईएथ इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू, क्या जो आपने की वैल्यू की के अंदर जो वैल्यू डाली है, मतलब जेथ इंडेक्स पे जिसको पॉइंट कर रहा है फिलहाल में, वो वैल्यू क्या उसके लेफ्ट वाली वैल्यू से छोटी है। ठीक है, अगर लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से बड़ी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा। तो मूवमेंट कैसा होगा, ए ऑफ आई प्लस वन जो है, मतलब ए जे है फिलहाल में, उसको वैल्यू असाइन कर दिया जाएगा ए ऑफ आई का, मतलब आई आईथ इंडेक्स में रखी हुई वैल्यू को हमने कहाँ डालना है, जेथ इंडेक्स में उसको शिफ्ट करना है। और आई पॉइंटर को, आई जिसको पॉइंट कर रहा है उसे हम क्या डिक्रीज करेंगे, एक से डिक्रीज करेंगे, मतलब अब जो आई पॉइंट करेगा वो जहाँ जे के पॉइंट कर रहा था उससे एक और लेफ्ट में पॉइंट करेगा। ठीक है, और ए ऑफ आई प्लस वन का वैल्यू अब अपने को क्या करना है, ए ऑफ आई प्लस वन का वैल्यू आपने क्या करना है, असाइन करना है की वैल्यू से। ठीक है, तो ए ऑफ आई प्लस वन क्या हो जाएगा, बिल्कुल जस्ट जे के लेफ्ट वाले इंडेक्स में जो वैल्यू जाएगा अब की का वैल्यू, चूंकि की में कौन सा वैल्यू है, जहाँ शुरुआत में जे इंडेक्स में रखा हुआ वैल्यू था वो अब हम इधर शिफ्ट करेंगे। समझ में आया, मतलब अगर लेफ्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू से छोटी है बड़ी है तो शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये लूप चलेगा, ये हमने देखा। अब आइए हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। 7 1 3, तो यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ, ये अनसॉर्टेड, मैं आपको समझाने के लिए इसको एरे क्रिएट कर रहा हूँ फिर से, 3 तो 9 6 5 0 8 2 7 1 3। तो सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या होगा। ठीक है, तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देखें तो देखिए, जब जे का वैल्यू 2 था, ठीक है, जे का वैल्यू जब था 2, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हुए, नंबर ऑफ कंपैरिजन 9 6 और 9 के बीच में हुआ और मूवमेंट हुआ 9 और 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, नंबर ऑफ कंपैरिजन प्लस नंबर ऑफ मूवमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन कितने हुए, 1 हुआ और मूवमेंट कितना हुआ, 1 का हुआ। ठीक है, मतलब 6 इधर आया और 9 इधर आया। ठीक है, जब हमारे पास जे का वैल्यू 3 हुआ, ठीक है, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हुए, नंबर ऑफ कंपैरिजन हमारे पास 5 6 का हुआ और फिर 5 और 9 का हुआ, और मूवमेंट भी आपके कितने हुए, 2 मूवमेंट हुए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजन 2 प्लस नंबर ऑफ मूवमेंट आपके हुए 2। जे का वैल्यू जब मेरे पास 4 था,
तब इसी तरीके से नंबर ऑफ कंपैरिजन, तीन कंपैरिजन, देखिए हम ये जो बात कर रहे हैं ये वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। वर्स्ट केस में क्या है, जो सबसे छोटा एलिमेंट आ रहा है ना, वो जितने भी शॉर्टेड एलिमेंट्स रखे हुए हैं उन सबसे छोटा है, तो हर बार वो हर एलिमेंट से कंपेयर होगा और मूवमेंट होगा, कंपेयर होगा मूवमेंट होगा, कंपेयर होगा मूवमेंट होगा। तो जे इक्वल्स टू फोर के केस में नंबर ऑफ कंपेरिजन की अगर आप बात करो तो यहाँ पर तीन कंपेरिजन और तीन मूवमेंट, ठीक है। इसी तरीके से जे इक्वल्स टू अगर अपन चलें, जे इक्वल्स टू टोटल अपने पास अगर एन एलिमेंट्स हैं एरे में, मतलब एरे में एन एलिमेंट्स है और एन इंडेक्स ही अपन बोलेंगे, तो कंपेरिजन कितने होंगे, एन माइनस वन कंपेरिजन होंगे और एन माइनस वन ही मूवमेंट होंगे, ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और जब अपन टोटल इसको करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए पूरा टोटल होगा, जे इक्वल्स टू टू के लिए नंबर ऑफ कंपेरिजन, नंबर ऑफ मूवमेंट अलग है, जे इक्वल्स टू तीन के लिए अलग है, जे इक्वल्स टू फोर के लिए अलग है, तो जब आप इन इन सब को जोड़ोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको यहाँ जोड़िए, तो जे इक्वल्स टू टू के लिए टू आया, इसके लिए टू इंटू टू आया, इसके लिए टू इंटू थ्री आया, ठीक है। इसी तरीके से एन है, जे इक्वल्स टू एन के लिए कितना आएगा, टू इंटू एन माइनस वन, और जब आप इन सारी वैल्यूज़ को जोड़ते हो तब कितना आता है आपका, आप ऐड करते हो इसको, जब आप ऐड करते हो तो इसका वैल्यू आता है टू, ठीक है, टू कॉमन ले लीजिए सब में, वन प्लस टू प्लस थ्री एंड इट गोज टिल एन माइनस वन, ठीक है। तो ये कितना होगा आपके पास, टू इंटू, ये होता है समेशन ऑफ ऑड नंबर, समेशन ऑफ नॉट ऑड नंबर, समेशन, ये एक फॉर्मूला लगता है, वन से लेकर वन प्लस टू थ्री से लेकर एन नंबर्स का समेशन कितना होता है, एन इंटू एन प्लस वन। तो यहाँ पे एन क्या है, एन माइनस वन, एन एन, तो एन है आपका एन माइनस वन और एन प्लस वन है आपका एन बाई टू, तो ये होगा आपका एन, ये आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्स क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम्स का आएगा, ठीक है। तो देखिए बेसिक जो टाइम लग रहा है बाकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने में वो कांस्टेंट टाइम है, तो एक्चुअल में इंसर्शन शॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब अपन इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बेसिकली इसमें क्या होगा, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की जब अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जो वेरिएबल्स असाइन किए, वेरिएबल्स लिए जा रहे हैं वो एक तो एरे साइज है, ठीक है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे, ठीक है, जितने एलिमेंट्स होंगे उतना ही एरे का साइज होगा। दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक तो की वेरिएबल रख लिया जा रहा है, तीसरा क्या वेरिएबल लिया जा रहा है, तीसरा जे आई एंड जे, ठीक है, ये इतने वेरिएबल लिए जा रहे हैं। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे ये जितना भी जो अल्गोरिदम इम्प्लीमेंट हो रहा है विद इन अ कॉन्स्टेंट स्पेस में एग्जीक्यूट हो रहा है, विद इन अ कॉन्स्टेंट स्पेस, ठीक है, तो जितना अरे साइज है उससे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है ये एल, तो इसको क्या, एक तो इस अल्गोरिथम को अपन कांस्टेंट टाइम ले रही है ये, इसको कांस्टेंट टाइम जब लेता है तो इसको अपन बोलते हैं ऑर्डर सिंगल ऑर्डर ऑफ वन, इसका कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन होगा, ठीक है। हाँ फिलहाल हम देख रहे हैं जो साइज है एरे का वो इसमें मैटर करता है, बट ये भी कॉन्स्टेंट है, ये हमें पहले से पता है, ठीक है, तो विद इन अ कॉन्स्टेंट स्पेस में ये एग्जीक्यूट हो रही है, तो इसको इन स्पेस अल्गोरिथम भी बोलते हैं, इन स्पेस शॉर्टिंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये चीज हमें इसमें ध्यान रखनी है कि इंसर्शन शॉर्ट को जब अपन इंप्लीमेंट करते हैं तो ये टाइम कितना लेती है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और स्पेस लेती है ये कॉन्स्टेंट। देखिए ये जो मैंने अभी आपके सामने कंपैरिजन करके दिखाया ये वर्स्ट केस का कंपैरिजन है। वर्स्ट केस में कैसा है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है और हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, ठीक है, तो रिवर्स शॉर्टेड ऑर्डर में बोल दो आप, रिवर्स शॉर्टेड ऑर्डर इसका वर्स्ट केस होगा। और अगर मैं बेस्ट केस लूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ बेस्ट केस में ये एल्गोरिथम कितना टाइम लेगी, ये हमने, और जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हम वर्स्ट केस को अज्यूम करके ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बेस्ट केस में अगर इसको कंसिडर करूँ,
बेस्ट केस में अगर अपन इसको जैसे अपन ले लें कि जो अरे है वो इस तरीके से है 9 8 7 6 5, ये तो आपका था वर्स्ट केस, ठीक है। बेस्ट केस में कैसा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जब आप जे इक्वल्स टू 2 से चालू करोगे, ठीक है, जे इक्वल्स टू 2 से चालू करोगे तो ये यहाँ से चालू होगा, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन किसका होगा, 2 का कंपैरिजन 1 से होगा, एक कंपैरिजन हुआ सिर्फ, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन आपका यहाँ पे जे इक्वल्स टू 2 के केस में होगा 1, और मूवमेंट कितना होगा 0, नंबर ऑफ मूवमेंट कितना होगा 0। जे इक्वल्स टू 3 के केस में क्या होगा, कंपैरिजन कितना होगा यहाँ पे जे इक्वल्स टू 3 के केस में, इसका कंपैरिजन सिर्फ इससे होगा, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्टेड है, इस आगे कंपैरिजन होगा ही नहीं। तो जे इक्वल्स टू 3 के केस में कंपैरिजन भी कितना होगा 1 होगा, और मूवमेंट कितना होगा 0। और जब जे इक्वल्स टू 4 की अपन बात करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, जे इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू 4 के केस में भी यही होगा, मतलब ये चार एलिमेंट कंसीडर करे जाएंगे, ये चौथा एलिमेंट कंपेयर होगा इसके लेफ्ट वाले से, क्योंकि ये पहले से ही बड़ा है इसलिए मूवमेंट नहीं होगा, और आगे भी एलिमेंट शॉर्टेड है तो कंपैरिजन नहीं होंगे और मूवमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कंपैरिजन 1 हुआ, नंबर ऑफ मूवमेंट 0 है। इसी तरीके से जे इक्वल्स टू जब अपन एन तक पहुँचेंगे, एन तक पहुँचेंगे, तब अपने पास टोटल कंपैरिजन कितने होंगे, एक कंपैरिजन होगा और मूवमेंट 0 होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन ऐड करोगे तो ये कितना आएगा आपका टोटल, ये होगा 1 + 1 + 1 टिल n-1 टाइम्स इन, ठीक है। तो ये 1 होगा और टोटल संख्या इन 1 की कितनी होगी, n-1 होगी। ठीक है, तो ये टोटल n-1 वंस होंगे। तो इसका मतलब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आएगी ऑर्डर ऑफ n-1 जो कि डाइल्यूट होकर ऑर्डर ऑफ n आएगी। तो ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन शॉर्ट की बेस्ट केस में आ रही है, बेस्ट केस में क्या है कि सारे एलिमेंट्स पहले से अरेंज्ड है, ठीक है, पहले से ही शॉर्टेड है। तो ये बेस्ट केस में कितनी आती है, ऑर्डर ऑफ n। और वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन शॉर्ट की आती है, वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, ठीक है, क्योंकि सब कुछ फिक्स है, अपन एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहे। ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ओके, थैंक यू।